नमस्कार, आप देख रहे हैं P24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ तन्मय भारद्वाज। ठियोग में पानी की समस्या को लेकर चक्का जाम कर रहे विधायक राकेश सिंघा की चिंताएं बढ़ने वाली हैं। लोगों के साथ चक्का जाम पर बैठे राकेश सिंघा पर FIR दर्ज कर कार्रवाई की गई। ठियोग में विधायक पानी की कमी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे थे। इस दौरान नेशनल हाईवे 5 पर लंबा जाम लग गया। जाम में IGMC से डिस्चार्ज होकर घर वापस जा रहे एक मरीज भी जाम में फंस गए। इस दौरान एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण व्यक्ति की मौत हो गई। ठियोग थाना के अंतर्गत जो है फागू के पास बेगल्टी में जो है CVM कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है चक्का जाम किया गया था, जिस वजह से वहाँ पे थोड़े ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी रही है और उसमें एक चिड़गांव के व्यक्ति की जो है उसमें उस दौरान मृत्यु हुई है और उन्होंने ठियोग थाना में जो है कंप्लेंट दी है कि उस चक्का जाम की वजह से जो है उनके फादर की मृत्यु हो गई है। तो इसमें जो है एक FIR रजिस्टर्ड कर दी गई है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। सर अजी देखिए, इसमें वहाँ के स्थानीय विधायक का भी नाम उन्होंने जोड़ा है। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है आगे चल रही है कि कहाँ तक वो सही चीज़ है और कितना सही इसमें है या नहीं।